and this is as per cost accounting standard number 2. तो देखो बगल में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर डाल दिया, मतलब बहुत रिलेवेंट चीज है, एकदम भी लाइटली नहीं लेना। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में एक बार वापस बता दें कि आपका जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वैसे कॉस्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन काम होता है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, एंड द सेम वी रिक्वायर इन कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यूनिफॉर्मिटी चाहिए कि जिसके यहाँ पे भी हो रहा हो एक जैसा हो रहा हो। जैसे आप भी मान लीजिए कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए और फिर किसी कंपनी में नौकरी पे रखे गए कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए, अब आप पूरा उसका कॉस्ट अकाउंटिंग समझे सीखे, अब दूसरी कंपनी में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो उसमें सीनियर कॉस्ट अकाउंटेंट बना के रखा जा रहा है, बट अगर उनका कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा अलग तरीके से ही होता होगा तब तो आपका पूरा मेहनत एक्सपीरियंस जो इतने साल आप गैदर किए वो जीरो हो जाएगा। तो स्विचिंग इजी होना चाहिए ना, इसलिए यूनिफॉर्मिटी का बात आता है और इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बात आता है। ओके, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में एक बॉडी बैठता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें दिग्गज लोग बैठते हैं। खाली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही नहीं, उसमें अलग अलग सेक्टोरल मिनिस्ट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव और जितने भी अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं CACS, CMA, उनके रिप्रेजेंटेटिव, फिर RBI का रिप्रेजेंटेटिव, SEBI का रिप्रेजेंटेटिव, UGC का रिप्रेजेंटेटिव, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग सब बैठकर कॉमन कंसेंसस पर एक स्टैंडर्ड को बनाता है कि इस तरह से सबका अकाउंटिंग होना चाहिए। ओके, अब उनमें जो भी स्टैंडर्ड्स बने वो सब स्टैंडर्ड्स अल्टीमेटली आपको कहाँ पे हेल्प करते हैं? जब आप एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट एक रियल वर्ल्ड की कंपनी में काम करते हो तो कुछ कंपनियों पर, नॉट ऑल बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, कुछ कंपनियों पर कंपल्सरी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने का रूल लागू होता है। उस कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या क्या होगा वो कंपनीज एक्ट बताता है, एज वेल एज फिर कुछ कंपनियों पर कुछ क्राइटेरिया मीट होने पर कंपल्सरी कॉस्ट ऑडिट का भी रूल्स लागू होता है, वो रूल्स भी कंपनीज एक्ट बनाता है। तो ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे बनाना है और ये कॉस्ट ऑडिट कैसे होना चाहिए, उसके अंदर के रिपोर्ट्स कैसे बनेंगे, उस दोनों के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना वहां पे इनकम्प्लीट रह जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा ये फिगर कहाँ से लिखे। तो मिनिस्ट्री ने ही ये बोर्ड बनाया कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज एक्ट लिखा, कंपनीज एक्ट में कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट के रूल्स बनाए, तो जिन जिन कंपनियों पे अब रिकॉर्ड लागू हो गए, ऑडिट लागू हो गए, तो रिकॉर्ड कैसे बनाना है, ऑडिट कैसे करना है, तो उसके रिपोर्ट्स बनेंगे सारे। अब वो रिपोर्ट्स कैसे भरे उसके चक्कर में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनवाया कौन? हम लोग बोलते हैं यूजुअली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाया, ना ना ना, मिनिस्ट्री का एक बॉडी बनाए, कमिटी बनाया मिनिस्ट्री ने। देखिए एक आदमी बनाएगा सही नहीं है, क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान का चीज है, इसलिए एक बोर्ड बैठ गया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें मिनिस्ट्री से भी आदमी जाएंगे, इंस्टीट्यूट से भी आदमी जाएंगे, और भी जगह जगह से आदमियों को लेकर, रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर एक एक स्टैंडर्ड फाइनलाइज किया जाएगा, और फिर सबको बता दिया जाएगा कि आपको इस कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट को बनाने के रिपोर्ट को बनाने के लिए इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सहारा लेना है। उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को स्पेशल पावर दे दिए जाते हैं कि भाई आपका ही सब्जेक्ट है तो आप अपने सिलेबस में इसको ले लीजिए, आप अपने मेंबर्स को ट्रेन करिए, कम से कम आपके यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स और मेंबर्स हैं आपके यहाँ पर सबको पता ही होना चाहिए। अभी तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी जो है उनके सिलेबस में भी बात चल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डाल देंगे,
क्योंकि वो अधूरे रह गए ना, अकाउंट्स तो बहुत आता है, कॉस्ट अकाउंट्स नहीं आता, तो उनका नॉलेज कमजोर पड़ेगा एक जगह। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पढ़ाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सिलेबस में डायरेक्टली आ जाएगा, जिस तरह से कॉस्ट अकाउंटेंट्स का सिलेबस प्रमोट करता है वैसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी प्रमोट करेगा। एनीवेज, हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है, कुछ तो बहुत साल पहले लिख दिए गए थे, और अभी हाल फिलहाल में से 2011 से लेकर अभी तक बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिख दिए गए, बहुत सारे मतलब वाइल से मोर देन 20 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिख दिए गए हाल फिलहाल में। कुछ उस मोर देन 20 में जो मैं बोल रहा हूँ उसमें पुराने वाले को भी बदला गया, मतलब इंक्लूडिंग दैट मोर देन 20 हो गया। उसमें से एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन के बारे में। कैपेसिटी मतलब क्षमता, कैपेसिटी को कैसे पता करें, कैसे पता चले कंपनी में क्या किया जा सकता है। सवाल उठता है, सर कॉस्ट अकाउंटेंट को इससे मतलब क्या है, क्या मतलब है कॉस्ट अकाउंटेंट को, क्या लेना देना कोई कंपनी क्या कर सकता है। कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करने का खाली ये मकसद नहीं होता कंपनियों में कि सिर्फ वो बैठ के मुनीम जी वाला एंट्री करे, खाली स्टेटमेंट बनाए, टोटलिंग करे। फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो होते हैं ना, जो आप अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ते हो, उनका मेन रोल वही होता है, एंट्री करो बैठ के। बट कॉस्ट अकाउंटेंट का स्कोप में खाली एंट्री नहीं आता है, कॉस्ट अकाउंटेंट के ऊपर एक जिम्मेदारी डाला गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या थ्योरी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। उसके जिम्मेदारी में एक और आता है कि वो ये भी नजर में रखे कि ये कंपनी एफिशिएंटली चल रही है कि नहीं, इनका बिजनेस एफिशिएंटली चल रहा है कि नहीं, ये चला पा रहे हैं कि नहीं। खाली कॉस्ट टोटल करके छोड़ना नहीं है, अकाउंटेंट खाली यही करता है, एंट्री मार देगा, पीएल बैलेंस शीट बना के छोड़ देगा, बाकी आप समझिए, दूसरा लोग बैठ के समझते रहिए, दूसरा कोई आदमी रखिए वो समझेगा। बट कॉस्ट अकाउंटेंट का काम खाली एंट्री पे खत्म नहीं होता है, वो तो रिकॉर्ड विकॉर्ड बनाएगा ही जो बनाना है, बट एट द सेम टाइम उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि वो चेक करेगा कि इंटरनली कंपनी सही तरीका से चल रहा है कि नहीं, मतलब इनके मशीन जिस हिसाब से इन्होंने लाए हैं उस हिसाब से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं तो कारण क्या है और उसका सलूशन क्या है, वो सब भी उसको वर्कआउट करना पड़ता है। जब एक कॉस्ट अकाउंटेंट उस रोल में जाता है ना, उस समय उसका नाम पड़ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बोलते उसको, फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोई अलग से पढ़ाई इंडिया में नहीं है, इसलिए आप लोग का जो कॉस्ट अकाउंटेंट का डिग्री है ना, उसका नाम क्या रख दिया, CMA। CMA क्यों बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अलग से कोई मैनेजमेंट अकाउंटेंट का पढ़ाई नहीं कराना चाहते आपको, कॉस्ट अकाउंटेंट का काम अगर बोले तो वो एंट्री का ही है, अकाउंटेंट माने एंट्री, बट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जब बन जाते हैं आप, तो आपका काम सुझाव देने का है, आपका काम नजर रखने का है कि बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये लोग कैसे चला रहा है भाई, खाली खर्चा गिनने बैठा दिया मेरे को वो नहीं चलेगा, आपको देखना होगा मशीन चलाना आता है कि नहीं आता है इन लोगों, मशीन को वहां नहीं रख के यहाँ रखने से फायदा होगा क्या, ये सब सोचना पड़ेगा, कौन सा मटेरियल डालने से ज्यादा आउटपुट आ जाएगा भाई, कैसे वर्कर को काम करना चाहिए जिससे कि जल्दी काम हो जाएगा, कौन सा वर्कर को रखना चाहिए, कौन सा वर्कर को निकाल देना चाहिए भाई, ये सब सुझाव भी कॉस्ट अकाउंटेंट की जिम्मेदारी में है। एंड ये सब तो तभी दे पाएगा जब उसके पास कुछ जानकारियां होंगी कंपनी के बारे में, और उसमें सबसे सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए आपकी कंपनी के बारे में, वो है कंपनी का कैपेसिटी, क्षमता, अरे ये कंपनी कर क्या सकता है, तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट जाके पता करता है, या फिर कंपनी वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लें तो उनको अपनी कैपेसिटी के बारे में पता चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कॉस्ट अकाउंटेंट आएगा तो ही वो पता करेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं अपना कंपनी खुद चलाता हूँ, अब मेरे यहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट है ही नहीं, तो मैं अपना क्षमता पता नहीं कर सकता क्या, पता कर सकते हैं कैसे,
कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसा तो कोई लिखा नहीं कि सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा ही खोला जाएगा, नहीं तो पाप चढ़ेगा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, कोई भी खोलो, कोई भी पढ़ो, आप स्टूडेंट्स आप भी पढ़ो, क्या दिक्कत है। तो कैपेसिटी मतलब क्या है? कैपेसिटी मतलब हिंदी में तो क्षमता, अब इंग्लिश में बोले तो पोटेंशियल। पोटेंशियल एक अच्छा शब्द है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस, एबिलिटी टू प्रोड्यूस, अगर फैक्ट्री लेवल पे बात कर रहे तो एबिलिटी टू प्रोड्यूस, एबिलिटी टू वर्क, या फिर ऐसे बोले द लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट कैन बी अचीव्ड ओवर अ टाइम, दैट इज योर कैपेसिटी, करेक्ट। तो आइए पहला पॉइंट लिखिए इसमें, नंबर वन, कैपेसिटी। Let's write the level of activity or operations over a period of time, over a period of time, the level of activity or operations over a period of time. Number two, different types of capacity. ये डिफरेंट टाइप्स कैसे बना? ये जैसे जैसे हम अपने कैपेसिटी के बारे में पता लगाने लगे, जो जो जानकारियां हमें मिलने लगी, वही डिफरेंट टाइप्स बन गए। ओके, तो भाई मैं समझ लो अपने यहाँ पे जानना चाहता हूँ मेरे यहाँ की कैपेसिटी क्या है, मेरे यहाँ की कैपेसिटी क्या है, और ये सवाल दिमाग में लिए लिए बड़बड़ाते बड़बड़ाते निकल पड़ा रास्ते में, जो मिले उससे पूछे भाई मेरी कैपेसिटी क्या है, अरे भाई मेरी कैपेसिटी क्या है, अरे मेरी कैपेसिटी क्या, आपको मालूम है मेरी कैपेसिटी क्या है, ओ एन जी मालूम है, ओ भाई जी मालूम है, आदमी मतलब क्या बोलेगा, अगल बगल वाला, ए भाई क्या पीके है क्या, तो किससे पूछे, मतलब काम कर उससे जाके पूछ जिसने तुझे बनाया, तो वो कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा जिसने मुझे बनाया, वो कहां मिलेगा। मजाक की बात, और पहला टाइप ऑफ कैपेसिटी है मैक्सिमम ऑब्लिक थ्योरिटिकल ऑब्लिक इंस्टॉल्ड ऑब्लिक रेटेड कैपेसिटी। एक मशीन के एंगल से सोचो, हम एक मशीन लाए और हम परेशान हैं, सोच रहे हैं कि बता, कोई बता दे इस मशीन से कितना कैपेसिटी पे काम करवाया जा सकता है। एक मशीन ने, एक इक्विपमेंट को लेके सोचो, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग में लिफ्ट लगा, तो हम सोच रहे हैं लिफ्ट कितना लोग को ऊपर उठा सकता है, समझ रहे हैं। जैसे एक मोटरसाइकिल खरीदा, हम ये सोच रहे हैं ये कितना स्पीड पे जा सकता है, समझ रहे हैं क्या कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं मेरे मन में। जैसे वही एक गाड़ी लिया, इसमें कितना लोग बैठ सकता है, ये सवाल आ रहा है मन में। आप जैसे अपने लिए सोच लीजिए, ये एग्जाम दे रहे हैं, इसमें कितना मार्क्स आ सकता है, तो सबका जवाब ही की जा, उनसे जाके पूछ जिसने उसे बनाया, खत्म, जो वो बताए उसका आंसर ये, उससे जाके पूछ जिसने उसे बनाया। जैसे कि सर मार्क्स से ले लो, इंस्टीट्यूट से जाके पूछो जिसने पेपर बनाया,
जिसने सिलेबस बनाया, भैया कितना मार्क्स इसमें आ सकता है, वो क्या बोलेगा, 100 में 100 ले आओ। सुन के क्या लगा, हाँ बोल दिए जैसे कि आप दे ही देंगे, तो सुन के क्या लगा, थ्योरिटिकल, थ्योरी लगा ना, प्रैक्टिकल थोड़ी लगा। थ्योरिटिकल मतलब हाइपोथेटिकल, बोल रहा है अगला ठीक है मान लो। उसी तरह से गाड़ी लिया, तो गाड़ी जिस कंपनी से लिया उससे जाके पूछो, भैया आपका गाड़ी में कितना लोग बैठ सकता है, तो सोफा वोफा सोच समझ के बनाया होगा तो बता देगा 4+1 4+1, वो बोल दिया तो मान लो। ऐसा मत सोचना सबका बात डिस्काउंट ही कर दो हर समय, थ्योरी जो है वो थ्योरी नहीं है, उसमें हो सकता है 4+1 5 बोल रहा है तो 5 मान लो, 5 बैठ गया तो अच्छा बात है, नहीं तो अपने हिसाब से कम कर लो वैसी कर लो। वो जो बोल रहा है उसको समझो। तीसरा, मोटरसाइकिल लिया, कितना स्पीड पे जा सकता है, अरे भाई स्पीडोमीटर देख ले क्या दिखाता है, 240 पे चल सकता है, मत मानू, लिखा तो है। लिफ्ट, लिफ्ट में देखना लिखा रहता है प्लेट में मैक्सिमम लोड, देखे हैं क्या, अब मैक्सिमम लोड में 10% लिखा है ना, तो 10% के नीचे वजन भी लिखा रहता है 800 kg, तो अब 10 लोग चढ़ जाइए और पीपी करना शुरू, और आप हिसाब कर लीजिए 800 केजी नहीं निकलेगा, बड़ो पीपी कर रहा है, अब वो कर रहा है तो मान लो हो गया, वो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। कौन बता रहा है, जिसने उसे बनाया, हम नहीं बता रहे, जो उस इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर है वो जो कैपेसिटी क्लेम कर रहा है, जो उसके यूजर मैनुअल से मिल जाएगा या उनका कोई ब्रोशर से मिल जाएगा या वहां पे कोई लिखा हुआ होगा लेबल वेबल उस पे पढ़ के मिल जाएगा, वो कैपेसिटी को हम बता रहे हैं मैक्सिमम कैपेसिटी। ऑडिट तो लिख दीजिए, एज क्लेम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ इक्विपमेंट्स और मशीन्स, एज क्लेम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ इक्विपमेंट्स और मशीन्स, एज क्लेम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ इक्विपमेंट्स और मशीन्स, ओके, जनरली देखा यह गया कि जो वो बोलते हैं वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, इसीलिए उसको मैक्सिमम, उसको थ्योरेटिकल नाम से भी बताया गया है। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, मैक्सिमम कैपेसिटी जैसे अगर एक साल का पीरियड लेके चले, एक साल का निकालना है, जैसे कभी भी कोई भी मैन्युफैक्चरर आपको कैपेसिटी अगर बताएगा अपना इक्विपमेंट का, तो वो एक साल का थोड़ी बता देगा, आपको जो जानना है अपने पढ़ाई में एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, आपको पूरा पीरियड का जानना है कि हम पूरे पीरियड में कितना कर सकते हैं। सो आपको ये पर एनम खुद कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे एक मशीन आपने खरीदा, उस मशीन में उसने लिख दिया कि ये 1 घंटे में 10 यूनिट बना सकता है, वो थोड़ी लिख सकता है कि एक साल में कितना बना सकता है, वो तो लिख नहीं सकते ना, तो एक छोटा सा मेजर दे देगा आपको, ये मशीन ऐसा काम कर सकता है, तो उसके बेस पे आपको एक साल पे आना होगा या एक महीने पे आना होगा जिसका रिपोर्ट आप बना रहे, बट इट तो इसीलिए कैलकुलेशन आता है मैक्सिमम कैपेसिटी पर एनम। सो मान लीजिए हम लोग का आंसर यूनिट्स में आएगा, कभी आवर्स में भी रहता है सम्स में, कभी यूनिट्स में भी रहता है, अभी यूनिट्स में आएगा, तो वो कैसे आएगा, जैसे पहले तो लो आप नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर मल्टीप्लाइड बाय आवर्स पर डे, तो आवर्स में आंसर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स पर आवर, तो यूनिट्स में आ गया, अब यूनिट्स पर आवर कौन बताएगा, ये तो
उसका यूजर मैनुअल बता देगा। अब आवर्स पर डे हम अपना तय कर लेंगे कि कितना देर हम चलाएंगे, और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर हम अपना तय करेंगे कितना दिन हमारा फैक्ट्री खुला रहेगा। ओके, कुछ लोग बोलते हैं जब मैक्सिमम का नाम थियोरिटिकल ही है तो सब थियोरिटिकल ले लो, मतलब नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 ही ले लो, हालांकि 365 दिन कोई फैक्ट्री खुला नहीं रहता। बोलते कैलकुलेशन थियोरिटिकली तो है, तो कुछ भी ले लीजिए, आवर्स पर डे फैक्ट्री कभी 8 घंटा खुलता है, कभी 6 घंटा खुलता है, कभी 10 घंटा खुलता है, बोलता है थियोरिटिकल 8 घंटा पर डे हिसाब से मान लो, मान लो जो स्टैंडर्ड्स है वही मान लो, और यूनिट्स पर आवर जो मैन्युफैक्चरर बोल रहा है 10 यूनिट पर आवर बोल रहा है, 20 यूनिट पर आवर बोल रहा है, 5 यूनिट पर आवर बोल रहा है, जो बोल रहा है वो ले लो। तो सर इससे तो आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये तो सही नहीं लग रहा है, आप जो कर रहे हैं तो सब ले लो कुछ भी ले लो, तो फिर वैसा वाला बात हो गया। बट हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ तो एविडेंस है ना हमारे पास, हम एकदम अपना मन से तो नहीं ले रहे, कोई बाबा जी से जाके कोई एस्ट्रोलॉजी थोड़ी करवा रहे हैं, किसी कनेक्टेड इंसान से ही तो पूछा, जिसने उस मशीन को बनाया उसी से ही तो पूछा, तो एकदम भी हाइपोथेटिकल है ऐसा नहीं, तो कुछ तो इसके पीछे लॉजिक है। और ये नहीं बोल रहे हम कि आप इसको एक्सेप्ट करके अपना पूरा प्लानिंग सजा लीजिए, इसी से देखने लग जाइए कंपनी अच्छी चल रही है बुरी चल रही है, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक तरीका है, दिस इज वन वे, अभी तो और भी तरह का कैपेसिटी आएगा, आप उसको देखना, आपको जो पसंद आया आप वो ले लेना, ये तो एक तरीका मैंने बताया। कई बार होता है ना, मैंने बोला जैसे गाड़ी में कितना जन बैठना है 4+1, तो इसमें गलत क्या बोला वो अगला, वो थ्योरेटिकल क्या है ये बताओ, तो 4+1 तो बैठते ही है यार, तो ऐसे इसको इग्नोर करने से नहीं चलेगा। वही इंस्टीट्यूट बोलता है आपका मार्क्स 100 में 100 आ सकता है, तो गलत कहाँ बोला, आया हुआ तो है ही इतिहास में किसी न किसी का, आपका नहीं आ सकता वो अलग बात है, आपको नहीं विश्वास है वो अलग बात है, आप अपने लिए कुछ और सोचिए, दूसरा तरीका दिखा देंगे उससे चलिए आप, बट ये भी एक तरीका तो है, ये एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। ओके, सो मैक्सिमम कैपेसिटी पर एनम इन यूनिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज पर एनम इंटू आवर्स पर डे इंटू यूनिट्स पर आवर। नेक्स्ट सेकेंड टाइप में आएंगे, मैक्सिमम से थोड़ा नीचे उतर के आते हैं प्रैक्टिकल और अचीवेबल कैपेसिटी पर। प्रैक्टिकल और अचीवेबल कैपेसिटी, नाम से समझ में आ रहा होगा इसमें क्या बातें होंगी, प्रैक्टिकल और अचीवेबल कैपेसिटी मतलब नाम से कुछ क्लिक कर रहा है हाँ? जो जो किया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम से ज्यादा होगा कि मैक्सिमम से थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा। ये अगेन यहाँ पे जो बातें हैं ये सब बिना किए वाली बातें हैं, मतलब अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, हम सुन के आए समझ में नहीं आया तो अपने लेवल पे थोड़ा कम कर रहे हैं, क्या समझे, जैसे वही पूरा वही चेन को पकड़िए कि इंस्टीट्यूट बोलता है 100 में 100 ले आओ वो मैक्सिमम है, अरे जो भी बोलते हैं यार 100 में 100 आता है, कुछ मजाक कर दे 100 में 100 80 बोल समझ में आता है, 80 बोल अचीवेबल है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, ठीक है, बिना कुछ किए, अभी तक आप पढ़ा भी नहीं, अभी तक आप एग्जाम भी नहीं दिया, बस कैपेसिटी पता करने गए तो वो 100 में 100 बोला, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसको डिस्काउंट करके रख दिया, नहीं इतना तो कोई नहीं आ सकता, ये सब तो ऐसे ऐसे मार्क्स कट ही जाएगा, तो 80 करेक्ट। उसी तरह से मान लो मोटरसाइकिल का, वो बोल रहा है स्पीडोमीटर 240 किलोमीटर पर आवर, वो इनफील्ड में दिखा रहा है, रॉयल इनफील्ड में बुलेट में, अब 240 को चलाएगा उड़ जाएगा, आदमी उड़ने लगेगा, ग्रिप ही नहीं रहेगा इतना, उसके लिए तो मतलब अलग से हाथ पैर और बॉडी को बांधना होगा गाड़ी में, इतना ग्रिप नहीं आएगा, वरना आदमी उड़ते उड़ते गाड़ी चलाएगा। सो व्हाटएवर अगला बोल रहा है 240, तो आप अपना मन से सोच लीजिए भैया क्या चलाना पॉसिबल है, वो आप अपना अचीवेबल लेवल देख लीजिए, अगला 240 बोल रहा है गुरु, तो 120 तो फिर भी चलाया जा सकता है,
अब क्या होता है, जैसे स्कूटी वगैरह होता है मोपेड, उसमें 120 बोलता है। हाँ आप 60 के बाद ले जाइए उसका, ना इंजन फट जाएगा अभी धड़ाके, अभी इंजन फटा 80 में तो लगता है, मतलब ये कभी भी ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा होने लग जाता है, पूरा कांप रहा है, होता है कि नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल क्या है भैया, 70-80 बोल ठीक है, समझ में आता है, ये आप जो बोलते हो समझ में नहीं आता है। जो समझ में नहीं आता तो आप उसको डिस्काउंट कर लीजिए, और क्या करेंगे। प्रैक्टिकल कैपेसिटी मीन्स मैक्सिमम से जो आपको लगे कि ये करना मुश्किल नहीं है, रादर ये करना मुश्किल है उसको हटा दीजिए, तो जो बच गया जितना आपको लगता है अचीव कर सकते हैं वही प्रैक्टिकल कैपेसिटी, लॉजिकल बात। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग तीन लेवल तोड़ेंगे, तीन लेवल में बात करेंगे। पहले आएंगे प्रैक्टिकल डेज, प्रैक्टिकल डेज पर एनम, विच इज बेसिकली द नेट वर्किंग डेज या वर्किंग डेज पर एनम। सही बात है, मानते हो। ऊपर में सर वर्किंग डेज क्यों नहीं लिखे, अरे मैक्सिमम था ना, थ्योरिटिकली तो बनाना था तो कुछ भी ले लेना। और यहाँ पे लॉजिकल बात करो, प्रैक्टिकल बात करो। सर ऊपर में वर्किंग डेज ले ले तो ले लो, कौन मना किया। मैक्सिमम में वर्किंग डेज ले ले, ले लेना भाई, कौन मना किया तेरे को। अरे ये सब रफ आइडिया लग रहा है ना, ये यूनिट्स पर आवर वहां पे क्या है, बस जो फिर मैन्युफैक्चरर बोला वही लेना। डेज आप अपने हिसाब से ही तो ले रहे थे वैसे भी, तो 365 नहीं लेके 300 ले लीजिए, बट यहाँ पे एकदम हिसाब से लीजिएगा, जितना है उतना ही लीजिएगा। दूसरा प्रैक्टिकल आवर्स पर एनम, विच इज इक्वल टू प्रैक्टिकल डेज मल्टीप्लाइड बाई आवर्स पर डे प्रैक्टिकल डेज मल्टीप्लाइड बाई आवर्स पर डे माइनस नॉर्मल आइडल एंड मेंटेनेंस टाइम, मतलब जो आप अवॉइड नहीं कर सकते वो सब समय जाएंगे ही जाएंगे। फैक्ट्री चलती है ना, अगर फैक्ट्री में आप बोलते दिन का 8 घंटा जो मैक्सिमम मिल लिया था, तो 8 घंटा भी फैक्ट्री खोलते तो 8 घंटा काम होगा, कभी नहीं भैया। आदमी खाना तो खाएगा ही, आदमी चेंज ओवर तो करेगा ही, फैक्ट्री खोलने में वक्त, बंद करने में वक्त, तो वो सब मशीन को मेंटेन कराना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो सर्विस वाला आएगा ही चेक करने के लिए, तो वो सब वक्त जो बेकार होगा वो सब नॉर्मल आइडल टाइम एंड मेंटेनेंस टाइम है। देन लास्टली इट इज प्रैक्टिकल यूनिट्स पर एनम, विच इज प्रैक्टिकल आवर्स पर एनम मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स पर आवर। अब ये यूनिट्स पर आवर आप वही वाला ले लीजिए जो कंपनी बोल रहा है, या फिर आप अपने हिसाब से कम कर लीजिए, प्रैक्टिकल यूनिट्स ले लीजिए, जैसा आपके पास डिटेल हो वैसा करिए, और क्या। मतलब देख के भी लग रहा होगा कैलकुलेशन में कि बात यहाँ पे हो रही है उतने तक की जो किया जा सकता है। जैसे आप लोग पूछते हैं ना सर, बोलिए ना सर, ये सब एग्जाम पास करने के लिए कितना देर पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ सकता हूँ मैं सर, बताइए ना सर। तो आदमी क्या बोले, भाई जा उससे जाके पूछ जिसने दिन बनाया, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, जा पढ़ ले 24 घंटा। क्या सर ऐसा मजाक कर रहे सर, 24 घंटे कोई पढ़ सकता है, तो थ्योरिटिकल बात हो गई। ठीक है तो अपने हिसाब से कम कर ले, तो आप अपने हिसाब से जो नॉर्मल आइडल टाइम मेंटेनेंस टाइम बॉडी का जो है वो सब माइनस कर लीजिए, और काट पीट के निकाल लीजिए, भैया हमको सोना भी पड़ेगा, हमको खाना भी पड़ेगा, हमको फलाना ढिकाना करना पड़ेगा, तो सब माइनस कर करा के, हाँ लग रहा है हाँ 15 घंटा निकल जाएगा, 15 घंटा हो सकता है, तो वही मान ले। तेरे को लग रहा है 15 घंटा अपने लिए, तो 15 घंटा मान ले को, ये नॉर्मल जो टाइम हमने माइनस किया ये सब तो हम अपने हिसाब से माइनस किए ना, हम किसी के को दिखा देखी में माइनस नहीं किए। ये वर्किंग डेज हम अपने फैक्ट्री के अपने रिचुअल के हिसाब से निकालेंगे। अब किसी कंपनी में कोई फैक्ट्री मान लीजिए होली में बंद नहीं होता है, किसी कंपनी में बंद होता है,
तो बंद होता है तो वो अपने हिसाब से माइनस करेगा। अपने रिचुअल के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से आपको लगता है कि वो बंद रहेगा तो बंद माइनस कर लीजिए आप, और फिर अपना कैपेसिटी जान लीजिए। तीसरा, देखिए सर जो दो बात आप बोले ना सुन के अच्छा लगा, लेकिन सच बात बताएं तो मानने लायक दोनों ही नहीं था। क्योंकि आप बोले 24 घंटा पढ़ ले कैसे मान ले, फिर आप बोले 15 घंटा पढ़ ले तो भी कुछ लोग का वाह वाह निकल गया, वाह वाह 15 घंटा पढ़ ले, बोलना कितना आसान 15 घंटा। तो कैलकुलेट किया तो भी मतलब विश्वास नहीं हुआ, राइट। तो वही चीज है जैसे कि आप हर जगह चले जाइए, ये आप अपना मान लीजिए मोटरसाइकिल का एग्जांपल ले लीजिए, वो 240 बोल रहा, आप 120 पे कंक्लूड किए, बट 120 हो सकता है, बट एक्चुअली क्या हमेशा 120 होगा भविष्य में? अरे 240 कंपनी वाला बोल रहा है, 120 हमें लगा इतना तो भाई बोल रहा है तो चला तो लेंगे, 120 पे तो चल ही सकता है, बट वाकई में क्या आप 120 पे चलाएंगे? भविष्य क्या 120 का है? यू नेवर नो, द आंसर इज नो, परफेक्टली नो। तो मार्क्स वही 100 में 100 लाया जा सकता है, बट आप उसको माने नहीं 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 80 80, लेकिन 80 आपका कभी आया है? तो फिर बात करिए, तो फिर उसको लेके आगे बढ़े ना भाई, उसको लेके देखे आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, आपका कंपनी चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। तो सवाल उठता है तीसरा नंबर पे कि साला माना है तो किसको माने, उसको उसको किसको माने। अब हम लोग बोल रहे भैया दोनों को छोड़ो, दोनों को छोड़ो, होता वही है जो होता आया है, ये सब ज्ञान हटाओ, और इससे जो कैपेसिटी मालूम पड़ता है उसका नाम है नॉर्मल कैपेसिटी या फिर एवरेज कैपेसिटी। नॉर्मल मतलब क्या होता है? जो होता आया है वही नॉर्मल है। सो जैसे एग्जाम आने लगता है तो नींद बहुत आता है, मतलब समझ लीजिए जो बिना एग्जाम का समय में 6-6 घंटा 7-7 घंटा सो के निकाल देते थे, जैसे जैसे एग्जाम आने लगता है लगता है 10 घंटा सोए रहे 11 घंटा सोए रहे, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कोई नहीं, नॉर्मल है बेटा, होता रहता, होता है, ये होता आया है, ये होता है। मैं इसका साइकोलॉजिकल रीजन बता देता हूँ क्यों होता है ऐसा। आप देखना अभी जब भी अभी आप लोग का क्लास चल रहा है ना, तो अभी आप लोग 5-6 घंटा सो के भी आ जाता है, क्लास कर लेता है, क्लास में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सो लेता है, बट काम निकल जाता है आपका। लेकिन अभी जब क्लास खत्म हो जाएगा सारा, उसके बाद आप क्या लंबा लंबा सोएंगे ना, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है आपका नींद का डोज बढ़ता जा रहा है, फिर एग्जाम के पहले कुछ दिन पहले से आप होश में आते हैं कि नहीं 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 अब तो सोना नहीं है। क्या कारण है? कारण है देखिए, इतना जो टायर्डनेस बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तो एक दिन तो बाहर आएगा ही। तो आप 5-6 घंटा सो सो के जो मेहनत कर रहे इतना, जब क्लास सारे खत्म हो जाएंगे आपका दिमाग को ये पता चल जाएगा कि अब इसको बेटा को कहीं नहीं जाना है। और दिमाग तो जानता है ना, अब इसको कहीं नहीं जाना है, इसका कोई रूटीन नहीं है, अब ये धीरे धीरे अपना शेड्यूल बनाएगा, तो जब तक बना ले तब तक हम इसका बॉडी को आराम करा देते हैं, वो नींद ज्यादा दिलाने लगता है कि तुम स्वस्थ हो जाओ, अभी तक तुम बहुत मेहनत कर रहे थे। और वो जैसे जैसे फिटनेस आने लगता है वापस, वैसे वैसे नींद नॉर्मलाइज हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नींद से कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा, आपका एग्जाम का जो सेल्फ स्टडी का रूटीन है वो पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मतलब टाइम पे सो जाना, टाइम पे उठ जाना, वो बहुत जरूरी है। स्लीप रात में, जैसे बहुत लोग मोबाइल लेके पड़े रहते हैं और फिर क्या होता है, आधा घंटा पौन घंटा निकाल देते हैं मोबाइल में, और आधा पौन घंटा निकल जाने के कारण अल्टीमेटली वो प्रेशर सुबह पड़ता है, आधा पौन घंटा का नींद का जरूरत रहता है सुबह। अब वो आधा पौन घंटा इकट्ठा हो गया, अगर आप नहीं सोए, आप प्रेशर में उठ गए, नहा धो के चले आए, अब वो आधा घंटा एक्यूमुलेट होके थोड़ा सा रह गया, वो कंप्रेस हो के थोड़ा सा रह जाता है अंदर में।
और फिर अगला दिन का आधा घंटा थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा आधा घंटा, अगर आप वीकली उसको सेट ऑफ नहीं करोगे तो वो एक ना एक दिन तो बाहर निकलेगा ही, या तो फिर कोई बीमारी बन के आएगा, कुछ तो होगा। हेल्थ का अंदर में जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम को नेचुरली आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा रहता है, मैं क्या करता हूँ, संडे शाम को 4 बजे 5 बजे ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे सो जाता हूँ, कहीं जाते नहीं हैं। बाप मतलब तबीयत ठीक रहता है या फिर फिटनेस रहता है तब जाते हैं, बट संडे 5 6 बजे तक सर गायब हो जाएंगे, घर पे मिलेंगे और सोए हुए मिलेंगे, और वो फिर सीधा सुबह उठते हैं कि मेरे को जो अभी खाना वाना देना है दे दीजिए, नहीं तो खाना खाने उठेंगे, उठ के फिर सो जाएंगे। तो उससे फिर नेक्स्ट वीक का एनर्जी बचा हुआ रहता है, और हम हमारे यहाँ तो वैसा भी छुट्टी नहीं है ना जैसे आप लोग को छुट्टियाँ मिलती हैं, तो एक दिन ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। इसी रीजन से आप देखिए अपने घर में भी जो सीनियर लोग, परिवार वाले जो ऑफिस जॉब वाले हैं या फिर अपने बिजनेस वाले हैं, आप देखिए एक दिन वो ब्रेक लेके थोड़ा थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्लीप लेते हैं, क्योंकि डेली का डोज बचा हुआ है वो, अगर वो उनको नहीं मिला ना तो उनका इल हेल्थ स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दैट हैज टू बी क्लियर्ड आउट एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर यू। एनी वेज वट एवर, लेट्स कम बैक टू नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी इज वॉट? नॉर्मल कैपेसिटी इज होता वही है जो होता आया है, जो चल रहा था भैया भविष्य में वही चलेगा। ये मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है उसको गोली मारो, उसको कम करके क्या आता है उसको गोली मारो, जो चल रहा था वही चलेगा, गारंटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, आप वही सारा कहानी को उठा लीजिए, 240 किलोमीटर पर आवर कौन बोलता है, कंपनी वाला, 120 आपने माना, बट कलकत्ता का जो रोड है यहाँ 50 पार किया नहीं कि इधर उधर से गाली शुरू, तो भाई आने वाले समय में इस मोटरसाइकिल में कितना स्पीड देखा जा सकता है, जो होता आया है वही होगा। करेक्ट, तो आंसर है 50, खत्म। 240 गोली मारी, 120 गोली मारी, फिर वैसे ही आ जाइए, मार्क्स को ले लीजिए, 100 मार्क्स, वो बोलते हैं 80। अब आप देखिए आपका आज तक का इतिहास क्या बोलता है, आपका कितना आया है, सर हम तो धक्का लगा लगा के निकले, तो भाई यहाँ पे भी वही रहेगा, आपसे और क्या उम्मीद करें। आप बोलिए आज जाके हो घर में अनाउंसमेंट कर दीजिए, आज पता है पापा सतीश सर क्या पढ़ा है, मजा आ गया, अब कॉस्टिंग में ना देखिए हम 100 में 100 ला के दिखाएगा, चल 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 बैठ जा, एक दिन में जोश खा रहा है। हाँ कितना मार्क्स आया आज तक 100 में 100 कितना मिला है दिखा, तो इसमें 100 में 100 ले आएगा, कुछ नहीं, नहीं सर, नहीं पापा सर बताएं कैसे आ सकता है, ला के दिखाएगा। होता वही है जो होता आया है, अगर अगर कुछ और हो गया तो एबनॉर्मल, चलो ठीक है हो गया तो, बट वो हम लोग मान नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह से वही पढ़ने का में भी आ जाइए, 24 घंटा पढ़ा जा सकता है, वो तो दिन बनाने वाला बोल रहा है, बट आप डिस्काउंट करके 15 मान लिए, अब आप अपना देखिए आप कितना देर पढ़ते हैं, आप ये समझ लीजिए आज अपना कैपेसिटी में, पापा सर ने बोला 24 घंटा पढ़ा जा सकता है, नहीं फिर हमने समझा अपने बुद्धि से पापा 15 घंटा पढ़ा जा सकता है, 15 घंटा तो अचीवेबल है, चल पढ़ के दिखा, कल से कितना देर पढ़ेगा, 15। होता वही है जो होता आया है, तो कल भी वही पढ़ रहे होंगे जितना देर यस्टरडे पढ़ रहे थे, तो टुमारो भी वही होगा। तो आइडिया इज जो होता आया है उसी को लेके आप आगे बढ़ें, वही आपका नॉर्मल कैपेसिटी। अब वो 2 मिनट है तो 2 मिनट माना जाए, 10 मिनट है तो 10 मिनट, 10 घंटा है तो 10 घंटा। हो सकता है मैं अगर 20 24 सोच रहा था, 15 प्रैक्टिकल मेरे को लगा, बट आप 16 घंटा पढ़ने वाले हो, आप पढ़ते आए हो, तो भाई आपके लिए 16 ही सही है, समझ गए। होता वही है जो होता आया है, ये सबसे बेस्ट बेस्ट कैपेसिटी डिटर्मिनेशन माना गया है। करेक्ट, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन सबसे बेस्ट यही माना गया, इट इज
इट इज एवरेज ऑफ पास्ट फ्यू एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस. Average of past few actual capacity utilizations. It is average of past few actual capacity utilizations. Isme ignoring abnormalities. अगर पास में कोई एबनॉर्मेलिटी हुआ था तो उसको इग्नोर कर देंगे. वो एबनॉर्मेलिटी से कैसे पता चलता है? जैसे कोई बहुत ज्यादा वैल्यू है या कोई बहुत कम वैल्यू है, टू हाई और टू लो वैल्यू, उसको इग्नोर कर दीजिए. एवरेज ऑफ पास्ट फ्यू एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इग्नोरिंग एबनॉर्मेलिटीज, टू हाई और टू लो वैल्यूज. लिखिए इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेक्टेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेक्टेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेक्टेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. ठीक है, देखिए ये सब जो है मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉर्मल, ये सब है कि आप क्या कर सकते हैं. फिर इसके बाद आपने जो किया वो कुछ और ही हो सकता है. क्या समझे? 24 घंटा, 15 घंटा होता है या आधा घंटा? 24, 15, आधा. अब आप इस बार बैठे तो 6 कर लिए, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सोचा था मैक्सिमम पे 24, प्रैक्टिकल पे 15, होता आया है आधा, इस बार कर लिया 6. तो जो होगा वो इन तीनों से कनेक्टेड होगा, जरूरी नहीं है. कुछ और ही कारण से कुछ और निकल सकता है. दैट इज एक्चुअल कैपेसिटी. एक्चुअल कैपेसिटी इज द कैपेसिटी दैट वी यूटिलाइज एक्चुअली इन अ पीरियड, एंड यूजुअली दैट इज विद इन द लिमिट ऑफ मैक्सिमम. मैक्सिमम से ज्यादा तो नहीं होता, बट वो कुछ भी हो सकता है. एक्चुअल कैन बी एनीथिंग. समझ पा रहे हैं? 24, 15, आधा घंटा और 6 घंटा. तो 6 घंटा का 15 से कोई कनेक्शन नहीं, आधा से कोई कनेक्शन नहीं. हाँ, 24 के अंदर ही होगा, वो तो ऑब्वियस सा बात है, तभी तो उसका नाम मैक्सिमम है, राइट? चलिए आपका एक टेस्ट हो जाए. आपके पास एक क्वेश्चन है पेज 141 में, क्वेश्चन नंबर 2. उसको रीड करिए और उसमें जो चार चीज पूछा गया वो बताइए.
पाए क्या? सो आ जाइए, पहला रेटेड कैपेसिटी क्या है? रेटेड माने मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब क्लेम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर व्हिच इज 36.5 टन्स पर ईयर, राइट? नंबर बी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, आपको छुट्टी वुट्टी एडजस्ट कर लेना है, 36.5 टन्स 365 दिन में, जबकि छुट्टी वुट्टी काटे तो 300 दिन में काम होगा तो 30 टन्स। तीसरा, एक्सपेक्टेड यानी कि नॉर्मल कैपेसिटी कितना होगा? 25। और फिर लास्ट इज एक्चुअल कैपेसिटी विच इज 25.2, राइट? टन्स। सर अभी आपने बोला कि नॉर्मल कैपेसिटी ही सबसे बेस्ट है जो भविष्य में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो सवाल उठता है कि फिर मैक्सिमम और प्रैक्टिकल निकालते ही क्यों है? एक ही से हो रहा है तो फिर मैक्सिमम प्रैक्टिकल का काम क्या है? देखो, जो होता आया है अभी तक वो अगर बुरा था और आगे भी वही अपने आप से उम्मीद करोगे तो तरक्की कैसे करोगे? समझ में आया मैंने क्या बोला? एक कंपनी है जिसका मान लीजिए मैक्सिमम कैपेसिटी है 10,000 यूनिट बनाने का और उसका प्रैक्टिकली पॉसिबल भी 8,000 यूनिट बनाना। अब उसके साथ जो होता आया था उसका एवरेज आ रहा है 1,000 यूनिट बनाना, तो भविष्य के लिए भी 1,000 को लेके ही चले अगर, तो वो कंपनी का तरक्की कभी होगा? नहीं होगा। इसलिए तो दोनों निकालना चाहिए तो पता तो चलता है कि कहां तक जाया जा सकता है। तो हम अपने आप में अंडर परफॉर्म कितना कर रहे हैं? फिर एक्चुअल में मान लीजिए मैं 1200 की, तो ऐसे तो देखे तो भाई तेरे 200 एक्स्ट्रा किया, बहुत बढ़िया, ऐसा थोड़ी क्या अच्छा किया, करा जा सकता था 8,000 और 1200 किया तो बहुत अच्छा हुआ क्या आज? जैसे आप दिन के लिए बना लो, आपसे जो होता है 5 मिनट पढ़ते हैं हमेशा, हर रोज का सिस्टम बना लो, बस 5 ही मिनट पढ़ना है मेरे को, और एक दिन बैठ के 8 मिनट पढ़ डालो, सवासी ढूंगो, आज मैंने 3 मिनट ज्यादा पढ़ा मालूम, कुछ होगा? तो सोचना ये है कि प्रैक्टिकल और मैक्सिमम का रोल क्या है, प्रैक्टिकल और मैक्सिमम का रोल क्या है? रोल है कि आप अपने आप में प्लानिंग में कितना अंडर परफॉर्मर रहे हैं वो आपका आंख खोल देता है। इसलिए एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को रखा जाता है कि वो एक कंपनी का ये सारा एनालिसिस करे और बताए ये कंपनी परफॉर्म कर रही कि नहीं कर रही। इनफैक्ट यू नो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अभी रिवाइज किया गया हाल फिलहाल में 2014 में, और रिवाइज करके उधर बोलता है ये नॉर्मल वाला जो मीनिंग है ना एवरेज, वो कॉन्सेप्ट को इसके साथ मर्ज कर दिया गया। नॉर्मल और प्रैक्टिकल बोल के एक ही चीज है। नया वाला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल और नॉर्मल अलग अलग चीज नहीं है, वो बोलता है प्रैक्टिकल ही नॉर्मल है, नॉर्मल ही प्रैक्टिकल है। लॉजिकल है ना कि भाई आपका जो पास चलता आया था वो अच्छा नहीं था तो आप भविष्य भी वैसे ही चलाओगे, ऐसा तो सही नहीं है। तो मैक्सिमम अपने जगह रहेगा और प्रैक्टिकल ही नॉर्मल है, नया वाला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है। मतलब ये पास का एवरेज अगर अच्छा रहा तो वही ठीक है और पास का एवरेज अच्छा नहीं रहा तो वही प्रैक्टिकल है, वही नॉर्मल है। समझ में आ रहा है आपको बात? इन सब एनालिसिस से दो मेन कैलकुलेशन निकलते हैं, दो मेन कैलकुलेशन जो आपको कॉस्टिंग में भी हेल्प करते हैं। उसके लिए पहले एक पढ़ाई करना होगा आपको, कितना नेक्स्ट पॉइंट बोलिए, 4, 5 टाइप ऑफ कैपेसिटी,
चौथा नंबर एक्चुअल कैपेसिटी है तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख लो, एक्चुअल कैपेसिटी लिखो, कैपेसिटी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग अ पीरियड, नंबर ई इज बजटेड कैपेसिटी, बजटेड कैपेसिटी जिसको हम लोग बेस कैपेसिटी बोलते हैं। इट इज द कैपेसिटी यूज्ड एज बेसिस It is the capacity used as basis for it is the capacity used as basis for preparing the budgets. कंपनी का बजट बनता है ना, तो बजट किस बुनियाद पे बनाएंगे, भविष्य का प्लानिंग करना है, तो जो बेस आप सिलेक्ट करते हो वो ये है। एंड ऑल्सो फॉर इसका दूसरा यूज है कंप्यूटिंग ओवरहेड रिकवरी रेट्स। ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे आता है दोस्तों, बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड बेसिस, यही है बजटेड बेसिस। अभी तक हर सम में रेडीमेड था, बट अभी जो पढ़ाई चल रही है वो बजटेड बेसिस की ही पढ़ाई चल रही है। अगर आप ओवरहेड चैप्टर का समरी सोचे ना दिमाग में, तो ओवरहेड रिकवरी रेट इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड बेसिस, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पढ़ा। फिर बजटेड ओवरहेड कैसे निकलेगा, ये प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यही चीज पढ़ा, बजटेड ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे आएगा, और डिनोमिनेटर का बजटेड बेसिस कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, क्या तो मैक्सिमम होगा या तो प्रैक्टिकल होगा या तो नॉर्मल होगा। ओके, देखिए यूजुअली द नॉर्मल कैपेसिटी इज कंसिडर्ड एज the best budget या best base, usually the normal capacity is considered as the best base, however any other capacity can be selected as base. एनी अदर मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं मैक्सिमम भी या फिर प्रैक्टिकल भी, एनी अदर कैपेसिटी कैन बी सिलेक्टेड एज बेस, इज इट फाइन। फिर लिखे रिवाइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर टू, इसी में एक नोट बोल के आ रहा है, अलग से कुछ इसका हेडिंग नहीं देंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल एंड नॉर्मल कैपेसिटी हैज बीन कंबाइंड, हैज बीन कंबाइंड। देखिए जो हमारा मैट है इसमें तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही, इसमें पेज नंबर 342 इंडेक्स बनाया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, इंडेक्स एक बना दिया इस मैट में नया, इंडेक्स फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पेज नंबर 342।
देखिए रिवाइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 2012 में रिवाइज हुआ बट एप्लीकेबल 2014 से हुआ, ठीक है। पेज नंबर 343 इधर देखो, नॉर्मल कैपेसिटी क्या बोलता है, नॉर्मल कैपेसिटी ये आप देखिए उसमें पेज 343 में पहला वाला क्या है, इंस्टॉल कैपेसिटी, देखा, जो कहां से पता चलेगा, मैन्युफैक्चरर का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से। और दूसरा वाला देखो नॉर्मल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल बोल के कोई नहीं है, अब नॉर्मल को पढ़ने जाओगे प्रैक्टिकल का बात मिलेगा, शैल बी डिटरमाइंड विच सर्विस इंस्टॉल कैपेसिटी आफ्टर कैरिंग आउट फॉलोइंग एडजस्टमेंट, हॉलीडेज, नॉर्मल टाइम लॉस्ट इन बैच चेंज ओवर, टाइम लॉस ड्यू टू मेंटेनेंस, लॉस इन एफिशिएंसी ड्यू टू एजिंग ऑफ इक्विपमेंट, नंबर ऑफ शिफ्ट्स, ये सब एडजस्ट करोगे। तो आपका याद है क्या प्रैक्टिकल आता था, अभी उसी को ही नॉर्मल बोल दे रहे हैं, डेफिनेशन कंबाइन कर दिया गया, प्रैक्टिकल नॉर्मल इकट्ठा समझा जाए, समझ में आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि एवरेज का नामो निशान मिटा दिए हैं, एवरेज हिडन रूप में अभी भी अंदर में है, वो लिखा नहीं है बट इंटरप्रिटेशन होता है, हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंटरप्रिटेशन होता है। मेरा पास्ट एवरेज अच्छा ही चल रहा था तो क्यों नहीं मैं एवरेज को चला सकता हूँ, बिल्कुल चला सकते हैं, बट पास्ट एवरेज बुरा चल रहा था तो एवरेज नहीं लेना चाहिए, उस समय प्रैक्टिकल को ही नॉर्मल मानना चाहिए। आप लिख के रख सकते हैं रेफर पेज 343, आपका जो मैट में पेज नंबर है वो लिख दीजिए। नेक्स्ट कितना नंबर पॉइंट आ रहा है दोस्त, ई ई आ रहा है, ई एफ आइडल कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी, इसका दो पार्ट होता है, एक है नॉर्मल आइडल कैपेसिटी और दूसरा है एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी और एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। सोचिए ये मेरा मैक्सिमम है विच इज 10,000 यूनिट्स, हमने अपना बजट काट पीट के सेट किया 8,000 रुपये, और फिर एक्चुअल में हम लोग अचीव कर पाए 6,500। तो आइडल कब होते हैं हम, जब जितना सोचा और उतना न कर पाए तो हम आइडल रह गए, समझ में आया मैंने क्या बोला। व्हाट इज आइडल, आइडल इज अनयूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी इज योर आइडल कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी बोलते हैं, कितना खाली रह गया। ओके हमने सोचा 8, एक्चुअल में है 6.5, तो इन दोनों का डिफरेंस आइडल कैपेसिटी आता है 1500 यूनिट का, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी। और आपने अपना सोच में ही कम कर दिया, 10,000 का 8,000 समझा, सोच को ही कम कर दिया, 10 को 8 समझा, ये आपका प्लानिंग का जो प्रॉब्लम है उसके कारण जो आइडल कैपेसिटी आया वो नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब ये हमेशा ही होगा क्योंकि आप तो ऐसे ही प्लान करते हैं। अरे नॉर्मल क्यों बोलना चाह रहे हैं कि ये हमेशा हो गए, क्यों, क्योंकि आपका प्लानिंग बोलता है 10,000 हो ही नहीं सकता, 8,000 ही होगा, अब तो हमेशा यही सोचेंगे ना, 10 की जगह 8 होगा तो जो हमेशा होगा वो नॉर्मल, और फिर 8 सोच के चला फिर 6.5 हो गया, ये कैसे हुआ, ले ये हमको नहीं पता कैसे हुआ, तो ये अब नॉर्मल, समझ में आ रहा क्या बोला जा रहा है। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी इज व्हाट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड योर बेस कैपेसिटी, एंड एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी इज व्हाट, इट इज डिफरेंस बिटवीन बजट यानी कि बेस कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। लिख लीजिए, ये नॉर्मल आइडल कैपेसिटी
और ये एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी है। ओके ये सब भी पेज 342 में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, 343 का टॉप में मिलेगा। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी क्या है? ये आइडल कैपेसिटी जानने से हमें पता चलता है एक्चुअली कि हम अपनी कंपनी चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं। कैपेसिटी में आइडलनेस है मतलब हम नहीं चला पा रहे हैं, हमारे में कोई कमियां है। अब वो कमी को दूर करना हो ओके हाँ, अगर एबनॉर्मल है तो सीरियस है, बहुत सीरियस है। नॉर्मल है तो थोड़ा सा और प्लानिंग व्लानिंग बेटर करिए। अगर आपको लगता है कि 10 का 8 हमेशा ही होगा तो ये 10 का जगह ही क्यों लेते हैं, फिर जगह थोड़ा कम कर दीजिए, कुछ तो रुपया बचाइए। 8 का ही मैक्सिमम वाला चीज लीजिए, कि ऐसा चीज लीजिए जिसमें ये गैप कब सबसे कम हो, ठीक है। सो 10,000, 8,000 और 6,500 से नॉर्मल एबनॉर्मल से मालूम पड़ रहा है कि वेदर वी आर एबल टू एफिशियंटली रन द कंपनी और नॉट। Understood. एक और पढ़ाई आता है इसमें, लाइसेंस्ड कैपेसिटी। लाइसेंस कैपेसिटी नाम से कुछ समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट का नाम मत लीजिए, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट से ही लाइसेंस होगा। आप ब्रांच ऑफिस है तो हेड ऑफिस लाइसेंस देगा, आप मान लीजिए कोई फ्रेंचाइजी है तो फ्रेंचाइजर आपको लाइसेंस देगा, ठीक है। तो इट इज द अप्रूव्ड कैपेसिटी बाय अ लाइसेंसिंग और रेगुलेटिंग अथॉरिटी। लेकिन लाइसेंस को लेके प्लानिंग व्लानिंग नहीं करते। लाइसेंस कैपेसिटी इज लाइक योर ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज को लेके कोई झमेला रहता है क्या? वो तो खाली शो के लिए रहता है ना, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, है ना, ये तो पता ही आपको। बट उसका भी लिमिट कभी भी पैसा भर के बढ़ाया जा सकता है, मालूम है क्या? ये ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। आप तो उसका पैसा भरिए, फीस भर दीजिए और आप अपना मेमोरेंडम चेंज कर लीजिए तो बढ़ जाएगा, उसमें क्या है। तो ऑथराइज खाली वो शो के लिए है कि हाँ हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। तो वैसे लाइसेंस कैपेसिटी इज फॉर कन्फॉर्मिटी ऑफ लीगलनेस ओके, कि हाँ वी आर बीन परमिटेड टू डू दिस एंड डू दैट ओके। तो लाइसेंस में कभी लिमिट बढ़ाया भी जा सकता है तो लाइसेंस में लिमिट घट भी जाता है। बट प्लानिंग इसके ऊपर नहीं होता, इसलिए इसको लास्ट में बता देते हैं। मेन प्लानिंग तो आपका ऊपर में ही हो जाता है सारा। इन सब से एक पढ़ाई आती है, दैट इज नाउ नंबर 3 इन दिस स्टडी। टाइप्स ऑफ कैपेसिटी खत्म हो गया, पढ़ाई आती है विच वी कॉल एज कॉस्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी, विच इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम। कॉस्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी, कॉस्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी। क्या लगता है आइडल कैपेसिटी होने से नुकसान होता है क्या कि फायदा होता है? नुकसान तो होता ही है, उस नुकसान को ही कॉस्ट बोल रहे हैं। द
The losses due to idle capacity is basically called as cost of idle capacity. अच्छा नुकसान हो रहा है तो आप कैसा नुकसान समझ रहे हैं idle capacity से? देखिए एक तो opportunity loss हुआ कि कमाई नहीं आई, contribution lost, और दूसरा दो तरह के cost होते हैं, fixed cost और variable cost. कौन सा cost idle capacity में भी लगेगा? Fixed cost. तो हम लोग यहाँ पे opportunity cost नहीं पढ़ना चाह रहे, यानी contribution loss नहीं पढ़ना चाह रहे, हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि fixed cost का नुकसान जो idle capacity के कारण आपका लगेगा ही, आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे. फिक्स कॉस्ट का जो रुपया आप रिकवर करने का सोचे थे वो रिकवर नहीं कर पाओगे. कैसे नहीं कर पाओगे? देखिए होता क्या है, पीरियड का स्टार्ट में आप एक बजट कैपेसिटी सोच लेते हैं, मान लीजिए 8000 यूनिट सोचा, और आपकी कंपनी का बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स मान लेते हैं 8 लाख रुपया था, तो आपने फिक्स्ड ओवरहेड रेट निकाल लिया, रिकवरी रेट कितना हुआ? 100 रुपया करके हो गया. अब जितने ग्राहक आने लगे उसको 100-100 रुपया करके चार्ज करने लगे, उनका कोटेशन 100 रुपया पे हो गया. अब एक्चुअल में एंड ऑफ द ईयर आपका कैपेसिटी यूज हुआ 6500, तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर कितना हुआ? तो 6500 से रिकवर होगा, ग्राहक जितने आए तो 6.5 लाख, और अल्टीमेटली फिक्स्ड ओवरहेड लगने कितना वाला है? अरे 8 लाख का बजट था तो 8 लाख तो लगेगा ही, ज्यादा भी लग सकता है, थोड़ा सा कम भी लग सकता है. मान लेते हैं वो 8 लाख ही लग गया, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? 6.5 लाख रिकवर हुआ जबकि 8 लाख लग गया, तो 1.5 लाख का अंडर रिकवरी आ गया. इसको बोलते हैं अंडर रिकवरी या अंडर एब्जॉर्प्शन. ये अंडर रिकवरी किस कारण से हुआ? आइडल कैपेसिटी के कारण. तो आइडलनेस ब्रिंग्स सम कॉस्ट, एंड व्हाट इज दैट कॉस्ट? दैट इज अंडर रिकवरी ऑफ योर फिक्स्ड ओवरहेड्स. सो इट इज ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट टू रिकवर दिस कॉस्ट. अब ये अगर आपको लगता है कि ऐसा होना बहुत ही वाजिब था, आपके हाथ में नहीं था, ऐसा अंडर रिकवरी होना बहुत ही वाजिब था, आपके हाथ में नहीं था, ये होता ही रहता है, कोई उपाय नहीं, आप एक्सेप्ट करने रेडी नहीं हो कि आपका गलती है इसमें, और आप बोलते हैं ये हर साल होता है, आप देख लीजिए पूरा एनालिसिस पुराना साल का भी, तो भाई अगर अनअवॉइडेबल है तो उस समय मैंने ओवरहेड में आप लोग को पढ़ा है अंडर रिकवरी का ट्रीटमेंट, तो उस समय इस 1.5 लाख को अगर ये हो गए तो आप सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट बनाकर, सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट बनाकर अपने प्रोडक्शन में चार्ज कर दीजिए. अगर आप बोलते हैं नहीं ये कैसे हुआ हमको नहीं पता, होना तो नहीं चाहिए था, अब नॉर्मल है, हो गया पता नहीं कैसे हो गया, अगर ऐसा है तो उसको लॉस मान लीजिए, पीएल में चार्ज करिए. अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सब्सटेंशियल अमाउंट है और इस बार इतना लॉस लिखने भी नहीं चाह रहे हैं पीएल में, तो भाई कैरी फॉरवर्ड करिए, अगला बार कुछ एडजस्टमेंट करिएगा. समझ में आया? तो कॉस्ट भी है, तो कॉस्ट का आपको ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए, एंड ट्रीटमेंट इंटरेस्टिंगली सेम एज द ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स दैट यू लर्न इन ओवरहेड चैप्टर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, द सेम ट्रीटमेंट इज हियर. वो ट्रीटमेंट का भी वीडियो बना के हमने यूट्यूब में डाल दिया, वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वो ट्रीटमेंट एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन में होता है, और उसका दूसरा नाम होता है एग्जाम का क्वेश्चन का कॉस्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल कैपेसिटी कॉस्ट. तो उसका भी जवाब क्या लिखोगे? वही अंडर रिकवरी में जो सीखा वही लिख कराओगे. अब एग्जाम में कई बार बदमाशी करता है, दोनों पूछ लेता है, एक कहीं पूछा है किसी क्वेश्चन में अंडर रिकवरी का ट्रीटमेंट बताओ, और किसी और क्वेश्चन में पूछ दिया आइडल कैपेसिटी का ट्रीटमेंट बताओ, या आइडल कैपेसिटी कॉस्ट का ट्रीटमेंट बताओ, तो क्या करोगे? वही चीज लिखोगे, बस अंडर रिकवरी शब्द का इस्तेमाल मत करना, जहां जहां अंडर रिकवरी है वहां वहां आइडल कैपेसिटी कॉस्ट लिख देना, और क्या. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी, यू राइट, इट इज इक्वल टू आइडल कैपेसिटी का यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट. Idle capacity in units multiplied by fixed overhead recovery rate. जैसे इसका शॉर्टकट देखिए, ये जो मैंने इतना बड़ा कैलकुलेशन से समझाया, idle capacity कितना यूनिट हुआ? हाँ जी, 1500 into fixed overhead recovery rate, 1.5 लाख, है ना? तो idle capacity in units is fixed overhead recovery rate.
अभी एक चीज इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि बजट में मैंने बोला ये बजट कैसे बनेगा, ये तो किसी में भी वैल्यू उठाया जा सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, तीनों का आंसर एक ही होता है क्या? तीनों अलग अलग होते हैं, तो तीन बार आइडल कैपेसिटी आ जाएगा, आ ही सकता है। एनालिसिस करने वाला जो बैठता है ना कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करने, वो सब आइडल कैपेसिटी निकाल के देगा, देखो इसके मुकाबले आप इतना आइडल रह गए, इसके मुकाबले आप इतना आइडल रह गए, इसके मुकाबले आप इतना आइडल रह गए, वो सबसे निकालेगा और सबसे आपको नुकसान बताएगा, अगर इसको माने तो इतना नुकसान हो गया, इसको माने तो इतना नुकसान हो गया। तो जैसे अगर मान लीजिए ये बजट में 8000 मैक्सिमम है फॉर एग्जांपल, तो 8000 माइनस 6.5 किया तो आइडल कैपेसिटी 1.5 है, तो उस समय फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकालोगे? ये फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकालोगे? बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड बेसिस। अब वो बजटेड बेसिस ध्यान रखना, जो बेस इसके लिए लोगे वही बेस इसके लिए लोगे, मतलब यहाँ पे 8000 और 6.5 को कंपेयर कर रहे हो तो मैक्सिमम बेस लिया, तो सेम बेस फिक्स्ड ओवरहेड को लेंगे 800000 बाई मैक्सिमम कैपेसिटी करेंगे। अगर प्रैक्टिकल से आइडल कैपेसिटी देख रहे हो तो प्रैक्टिकल से ही ओवरहेड रेट निकालेंगे, तब तो मैचिंग कॉन्सेप्ट लगेगा ना। अब फिक्स्ड ओवरहेड रेट निकालेंगे मैक्सिमम से और आइडल कैपेसिटी देख रहे हैं प्रैक्टिकल से, वो गलत है। जैसा आइडल कैपेसिटी का बेस वही बेस फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट का होना चाहिए। ओके, इसके ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है, सीएमए वाले लोग के लिए तो बहुत ही फेवरेट है, एग्जाम में सीएमए भी आया हुआ है। सीए का फेवरेट नहीं है, सीएमए फेवरेट है थ्योरी, कॉस्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी का ट्रीटमेंट थ्योरी, उसका इतना बार आया हुआ है कि आप समझ लीजिए इस बार भी आने वाला, ऐसा मान के चलिए। कॉस्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी का ट्रीटमेंट, आ जाइए अभी पेज नंबर 141, क्वेश्चन नंबर वन। अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक सर्किट्स at the rate of 6 pieces an hour, एक घंटे में 6 यूनिट। The unit works in single shift of 8 hours during 6 days a week and remains closed for 18 days a year. 18 दिन बंद रहता है साल में और ऊपर से 6 day week चलता है तो संडे छुट्टी है मान लो, तो 52 holidays तो है ही plus 18 holiday on account of holidays. Average idle hours per month is 20. फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, 20 घंटा और बर्बाद होगा क्लीनिंग मेंटेनेंस के चक्कर में, बट वो 20 आवर पर मंथ है। अगेंस्ट एन एवरेज एनुअल आउटपुट ऑफ 12,000 पीसेस ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल से एवरेज हमारा 12,000 का रहा है, द एक्चुअल आउटपुट अचीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 10,800 पीसेस। समझ में आ रहा है? सो फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द ईयर वॉज 540,000। You are required to calculate the idle capacity cost on the assumption that overhead recovery rates are based on maximum, practical and normal capacity utilization respectively. तीन बार करके दिखाना है, एक बार maximum लेके, एक बार practical लेके, एक बार normal लेके। तो सबसे पहले working note क्या होना चाहिए? Maximum capacity कहाँ दिया हुआ है, निकालिए कैसे निकालेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी, कैसे निकालेंगे एक साल का, नंबर ऑफ डेज इनटू आवर्स पर डे इनटू यूनिट्स पर आवर, नंबर ऑफ डेज इज, आप इसमें टोटल ले सकते हो, ये थ्योरेटिकल है ना तो थ्योरेटिकल में थ्योरेटिकल ले सकते हो, प्रैक्टिकल में जब आओगे तो प्रैक्टिकल ही लेना पड़ेगा, बट इसमें भी अलाउड है, ऐसा मत सोचना कि एकदम डिसअलाउड है। आप यहाँ पे 365 से भी कर सकते हैं या फिर आप वर्किंग डेज जो नेट आ रहा है वो निकाल सकते हैं। इंटू आवर्स पर डे 8, इंटू यूनिट्स पर आवर 6, सो व्हाट इज द आंसर?
17,520 यूनिट्स, ठीक है। सत्रह हजार पाँच सौ बीस यूनिट्स, यहाँ पे एक नोट लिख दीजिए कि और वर्किंग डेज कैन बी टेकन हियर। नोट टू, नोट टू क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल कैपेसिटी पर एनम, सो हियर वी हैव प्रैक्टिकल डेज पर एनम, कितना डेज होगा 365 में से 52 माइनस करें, माइनस 18 छुट्टी का, सर 52 कहां से निकाले आप बोलिए तो, अरे सिक्स डे वीक है ना बेटा, तो एक दिन ऑफ है तो साल में ऐसा 52 ऑफ होगा, इनटू, अच्छा इनटू नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिकल डेज कितना है 295। देखो उसको करने का एक और तरीका हो सकता था, जैसे आपको इसके जगह मिल जाता वो 52 इनटू 6 बोल सकते हैं टोटल डेज इन ईयर, क्योंकि सिक्स डेज अ वीक आप काम कर रहे हो, तो 52 इनटू 6 माइनस 18, बड़ा आंसर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ बोलो बेटा, 52 इंटू 7 करते हैं ना तो 364 आता है, तो एक दिन तो कम रहता ही है ना वह हिसाब में, इस कारण से 294 हिसाब में दिखेगा, तो दोनों से आंसर फर्क आएगा बट कोई आपका मार्क्स में फर्क नहीं आएगा, ओके। तो अभी हम लोग इसको नहीं चलाएंगे, 295 डेज चला देंगे, देन प्रैक्टिकल आवर्स पर एनम इज इक्वल टू, प्रैक्टिकल आवर्स पर एनम इज इक्वल टू 295 इंटू 8 माइनस 20 into 12 समझ में आया, 20 घंटा पर मंथ बेकार होगा आइडल टाइम का, कितना रहा ये 2120 आवर्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स पर एनम 2120 into 6, सिक्स यूनिट्स ही लेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट्स तो कुछ अलग से दिया हुआ नहीं, तो 12,720 यूनिट्स, तो मैक्सिमम था 17,520, मैक्सिमम था 17,520 और प्रैक्टिकली आया है 12,720। नोट थ्री, नॉर्मल कैपेसिटी जो दिया हुआ है इस बार कितना, कितना नहीं 12,000, ये गिवन, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, 12,000। अब इनके मदद से हम लोग आइडल कैपेसिटी और उसका कॉस्ट निकालेंगे, स्टेटमेंट शोइंग आइडल कैपेसिटी एंड इट्स कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग आइडल कैपेसिटी एंड इट्स कॉस्ट। सो फर्स्ट इज से बेस, नेक्स्ट इज
का बेस का कैपेसिटी, बेस कैपेसिटी इन यूनिट्स, फिर आएगा आइडल कैपेसिटी विच इज बेस माइनस एक्चुअल, फिर आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट। Which is fixed overhead divided by base capacity, and then last it is cost of idle capacity. Which is idle capacity into fixed overhead recovery rate. बेस में पहला मैक्सिमम ले लेते हैं, मैक्सिमम का आंसर क्या था? 17,520। तो उससे आइडल कैपेसिटी कैलकुलेट करो, बेस माइनस एक्चुअल, यानी 17,520 माइनस 10,800। सो व्हाट इज द रिजल्ट? सिक्स सेवन टू जीरो, सिक्स सेवन टू जीरो। देन फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे आएगा? 5,40,000 बाई 17,520। जैसा बेस यहां पे आइडल कैपेसिटी के लिए लिया, वही बेस यहां पे यूज होना चाहिए। कितना है ये? 30.82 पर यूनिट। अब यहाँ पर आइडल कैपेसिटी है 6,720 इंटू रेट 30.82। कितना है देखो तो? 207,123, 110। वो राउंडिंग ऑफ में जो भी आ रहा है आप छोड़ो, प्रैक्टिकल कैपेसिटी बोलो। हाँ, 12,720, 12,720 माइनस 10,800 इज इक्वल टू 1920। 5,40,000 डिवाइडेड बाई 12,720 इज इक्वल टू 42.45, एंड 1920 इंटू 42.45 इज इक्वल टू 81,504। देन प्रैक्टिकल के बाद नॉर्मल, सो नॉर्मल कैपेसिटी इज 12,000, 12,000 माइनस 10,800 इज 1,200। एंड देन 1,200 इनटू, सॉरी, इसमें 5,40,000 बाई 1,200 बाई 12,000 कितना रहे? 45। एंड 1,200 इनटू 45, 54। जोड़ना नहीं, तीनों को जोड़ना नहीं है, तीन तो इधर और वाला केस है, क्या तो ये मानो या तो वो मानो, या तो वो मानो। जैसा बेस होगा वैसा आइडल कैपेसिटी आएगा और वैसा आपको कॉस्ट उठाना पड़ेगा। नहीं
नेक्स्ट कितना नंबर, 5। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी 3 था क्या? 5 नंबर, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल कैपेसिटी कॉस्ट। अबे यार, 4 नंबर, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल कैपेसिटी कॉस्ट। ट्रीटमेंट जो एबनॉर्मल है फॉर एबनॉर्मल रीजंस, अगर कुछ भी है तो उसका क्या करने का, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, मार दिया जाए। और अगर कोई नॉर्मल रीजंस वाला है तो नॉर्मल रीजंस वाला अमाउंट को ऑप्शन वन थोड़ा सा अलग तरीका से लिख रहे हैं। ऑप्शन वन, आप उसको ओवरहेड बना के चार्ज कर सकते हैं, चार्ज एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑप्शन टू, फैक्ट्री ओवरहेड्स कब बनाते हैं, जब इरेगुलरली होता है, मतलब हमेशा नहीं होता। और दूसरा होता है चार्ज टू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, जितना आपने प्रोड्यूस किया उसमें जाके चार्ज कर दीजिए। ये कब करते हैं, जब एकदम ही अनअवॉइडेबल हो, कोई उपाय नहीं था ऐसा होने का, मतलब यू कुड नॉट कंट्रोल इट एनी वे, देन चार्ज टू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। तो जितना प्रोडक्शन हुआ उसमें पोर्शन कर दीजिए, अमोर्टाइज कर दीजिए। कोई भी कॉस्ट का ट्रीटमेंट कभी एग्जाम में लिखने आता है तो ऐसे ही लिखते हैं, नॉर्मल वाला ऐसा, एबनॉर्मल वाला वैसा। कोई भी थ्योरी लिखना है तो ऐसे ही लिखने का। जब जब थ्योरी, मतलब ऐसा कुछ लिखना आता है किसी खर्चे के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आपको और इंस्टेंस देते हैं, कोई थ्योरी लिखना है जिसमें बोल रहा है स्क्रैप का ट्रीटमेंट क्या होगा, ऐसे ही एबनॉर्मल है तो पीएल, नॉर्मल है तो चार्ज टू प्रोडक्ट कॉस्ट। अब स्क्रैप में एक ऐसा चीज है जिसका कुछ रियलाइजेबल वैल्यू होता है, तो आफ्टर एडजस्टिंग द अवेलेबल रियलाइजेबल वैल्यू, समझ गए, चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख सकते हैं, चार्ज टू प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, मतलब लिखने का तरीका ऐसा ही है। कोई भी ऐसा चीज आपको एग्जाम में ट्रीटमेंट की तरह लिखने आए जिसका हेडिंग से समझ में आ रहा है ये नुकसान का चीज है, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ नाइट शिफ्ट अलाउंस, एबनॉर्मल है तो पीएल, नॉर्मल है तो चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर चार्ज टू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। समझ गए क्या? नेक्स्ट नंबर 5 ना, यूजेस ऑफ कैपेसिटी डिटरमिनेशन। कैपेसिटी डिटरमाइन करके क्या लाभ उठाया आपने, यूजेस ऑफ कैपेसिटी डिटरमिनेशन, पहला यूज क्या हो सकता है, बजट, बजट में काम आया, किसके बेसिस पे बजट बना लिया। दूसरा यूज, अब परफॉर्मेंस एनालिसिस देख पाए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या परफॉर्मेंस एनालिसिस बोलो। सीएमए फाइनल में एक पेपर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसमें ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सीएमए फाइनल पेपर का नाम ही है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसमें ये पूरा पढ़ाइए, यूजेस ऑफ कैपेसिटी डिटरमिनेशन, और उसमें बकायदा रिपोर्ट बना के देना पड़ता है। जो हमने अभी कैलकुलेट किया ना वही रिपोर्ट है, ये कॉस्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी इज अ रिपोर्ट। तीसरा,
ओवरहेड रिकवरी रेट उसमें भी हेल्प करता है, जो आता कैसे है, बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड बेसिस। इसमें एक एक्सेप्शन है दोस्तों, एक सवाल है, क्या कभी एक्चुअल बेसिस को ओवरहेड रिकवरी रेट बनाया जा सकता है? नहीं समझे, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ओवरहेड रिकवरी रेट इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड बाई एक्चुअल कैपेसिटी कर सकते हैं, ऐसा मैंने कभी सिखाया तो नहीं है, मैं ऐसे लेटरल थिंकिंग आपका दिमाग में जनरेट कर रहा हूं। क्या कभी ऐसा हो सकता है? हमेशा आपने पढ़े हैं बजटेड ओवरहेड बाई बजटेड बेसिस, और ऐसा ही आगे भी पढ़ते रहेंगे, बट एक यूनिक थिंकिंग कि क्या ओवरहेड रिकवरी रेट में बजटेड ओवरहेड बाई एक्चुअल कैपेसिटी हो सकता है? सर आप बोल रहे तो जरूर है, नहीं तो आप बोलते थोड़ी ये बात। देखो इसका एक लॉजिक है, ये ओवरहेड रिकवरी रेट का काम क्या है, प्रोडक्ट का कॉस्ट पता करना, इज इट फाइन? किस क्या काम है इसका, प्रोडक्ट का कॉस्ट पता करना, उस प्रोडक्ट कॉस्ट से क्या पता चलता है, इन्वेंट्री का वैल्यू, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में काम आता है, इन्वेंट्री कॉस्ट में मटेरियल लेबर ओवरहेड आएगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल बोलता है हमेशा कंजर्वेटिव वैल्यू करो, कंजर्वेटिव मतलब वैल्यू कम दिखाओ, ज्यादा वैल्यू मत दिखाओ, इसलिए तो आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। लोअर क्यों लेना है, कंजर्वेटिव, ज्यादा क्यों फाट मारे हैं, ज्यादा क्यों बोले मेरे पास इतना का बचा हुआ माल, अरे मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ यार, एकदम कम का बचा हुआ है, ऐसा सोच के चलो, जमीन पे रहो, हवा में मत उड़ो, दैट्स कंजर्वेटिज्म। ओके, तो अब मान लीजिए मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ पे नहीं है, हम लोग बोलते हैं कॉस्ट भी ऐसे निकालो ना भाई जिससे कॉस्ट कम आए, कॉस्ट भी ऐसे निकालो जिससे कॉस्ट कम दिखे, ज्यादा कॉस्ट क्यों दिखाना है, खर्चा भी मेरा इतना ज्यादा लग गया, कम खर्चा बोलो, खर्चा भी बोलो तो अपने लिए कम बोलो। अब एक सिचुएशन सोचो, मेरा इन्वेंटरी के पीछे फिक्स्ड ओवरहेड मुझे लिखना है, मटेरियल लेबर मैंने लिख लिया और फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट इन्वेंटरी वैल्यूएशन में डालना है, तो वो इसी इक्वेशन से आएगा, बेसिकली इट शुड कम एज ओवरहेड रिकवरी रेट इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड बाय बजटेड बेसिस बोलते हैं ना। अब मानिए मेरा फिक्स्ड ओवरहेड है 1 लाख और मेरा बजटेड आउटपुट था 10,000 यूनिट्स, तो रेट क्या होना चाहिए, 10, जो यहां पे आएगा वो रेट होना चाहिए 10, बट एक्चुअल आउटपुट हमने बना डाला 12,500 यूनिट था। सर आप बजट पार कर गए, हाँ क्या प्रॉब्लम है, कर नहीं सकते, मैंने लॉजिक क्या दिया, बजट कैसे पता करते हैं, शायद आपने बजट सोचा होगा जो होता आया है वही मैं करूंगा, जबकि आपका प्रैक्टिकल ऊपर था, मैक्सिमम और ऊपर था, तो इस बार आपको होश आया, आपने थोड़ा धक्का लगाया तो वो बजट को पार कर गया, 12,500 पे पहुंच गए, ठीक है, मतलब आइडल कैपेसिटी नहीं हुआ यहाँ पे, सरप्लस हो गया, आपने सरप्लस जनरेट किया, और ऐसे समय में अभी अपने ऐसा बोलते हैं जब आप 12,500 किए तो जरूर करने की क्षमता थी, तभी तो किए, तो क्षमता जो आपकी होनी थी वो आप 10,000 गलत सोचे थे, तो 12,500 सोचना चाहिए था, करेक्ट। अगर 1 लाख बाई 12,500 भी करते हैं तो ओवरहेड रेट 1 लाख बाई 12,500 से 8 रुपया आ रहा है, कंजर्वेटिज्म किसको प्रेफरेंस देगा, बोलेगा लोअर को। ये बात कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इतना डिटेल में नहीं बताया, उधर बस बोला है कि बेस में एक्चुअल और बजट कुछ भी लिया जा सकता है, बट इतना डिटेल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बताया है,
यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आके हाथ में ला लिया, दोनों एक साथ चल रहा है भाई, अपने एक साथ है। वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे बात कर रहा था प्रॉपरली, बट यहाँ पे कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा था। दोनों ने अपने आप को जोड़ा किस बात पर कि वहां पे जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट चाहिए तो कॉस्ट भी तो कम आना चाहिए, तो कम कहाँ से आएगा? कम लाने के लिए एक बेस चाहिए, तो बेस क्या होगा? बेस बोले बजट हो सकता है या फिर एक्चुअल हो सकता है, और एक्चुअल कब होगा बेस? जब एक्चुअल बजट को पार कर जाए। अब सोचो, अब एक्चुअल मेरा 12.5 नहीं हुआ, एक्चुअल मेरा 8,000 हुआ, तो मैं 1,10,000 करूंगा तो 10 रुपया रेट आएगा, और 1,08,000 करूंगा तो कौन सा रेट आएगा? 12.5 आएगा। कंजर्वेटिज्म किसको प्रेफर करेगा? 10 को प्रेफर करेगा, 12.5 को प्रेफर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है? मतलब एक्सेप्शनल सरकमस्टेंस एक है जब आप अपना एक्चुअल को बेस ले सकते हो, और वो क्या सरकमस्टेंस है? वो क्या सरकमस्टेंस है? जब आपका एक्चुअल बजट को पार कर जाए, तो किस ग्राउंड पे आप उसको बेस ले सकते हैं? कंजर्वेटिज्म ग्राउंड पे, ठीक है? सो ये एक बार एग्जाम में ना, एक बार बहुत हिडन रूप से आया था, बच्चों लोग का दिमाग में इतना घुसता भी नहीं, तो लोग निकाल दिया ऐसे ही। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी ये बात इतना लिखा हुआ है, आप पढ़ के नहीं जाते, इतना आपको पता ही नहीं था कि इतना बात है इसमें लिखा हुआ है। आप तो बस कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर ही पढ़ते हैं, बट उस कॉस्ट में भी तो लोअर कॉस्ट लाना है, तो कैसे आएगा लोअर कॉस्ट? ऐसे आएगा लोअर कॉस्ट, ठीक है? तो इस पे एक स्टार दे के एक नोट लिख के रखिए कि फॉर ओवरहेड रिकवरी एक्चुअल कैपेसिटी कैन बी टेकन एज बेस, एक्चुअल कैपेसिटी कैन बी टेकन एज बेस। फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेंट्री वैल्युएशन, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेंट्री वैल्युएशन, व्हेन एक्चुअल कैपेसिटी एक्सीड्स द बजटेड कैपेसिटी, व्हेन एक्चुअल कैपेसिटी एक्सीड्स द बजटेड कैपेसिटी, ठीक है? यानी कि आप ऐसा लिख लो, ओवरहेड रिकवरी रेट इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख देते इक्वेशन, बजटेड कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर, चलेगा? हायर का लॉजिक क्या है? कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का लॉजिक है, जिससे कि रेट कम आए, और रेट कम आने से इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रॉपर हो पाएगा। लेकिन सर, ग्राहक को तो कम चार्ज करेंगे। अरे भाई, तो प्रोडक्शन भी तो ज्यादा हुआ, तो यूनिट्स भी तो तुम्हारा ज्यादा हो गया, तुम कहाँ कम चार्ज किए? रेट कम हो गया तो यूनिट्स तो बढ़ा ना, 10 का 12.5 हो गया, तो उधर वसूली करिए। ऐसे लूटिए मत ग्राहक को, लूटेंगे तो धंधा बंद हो जाएगा। ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना सिखाता है कि ग्राहक को लूटिए मत, जब आप ज्यादा बना पाए तो उस समय रेट कम करने में कोई गुनाह नहीं है। समझ गए? एक बार खाली जाते जाते कैपेसिटी का कितना नाम आपको याद आता है, ऐसे ही मेरी आंखों में देखो सर, मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉर्मल, लाइन बाय लाइन बोलेंगे तो फट से याद भी रहता है। देखो, मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉर्मल एक्चुअल बजटेड, बजटेड बजटेड जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉर्मल, अभी तो सिखा दिया कि एक्चुअल भी कभी कभी बजट बन सकता है, ठीक है? मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉर्मल एक्चुअल बजटेड, आइडल, आइडियल नहीं, आइडल, और एक लाइसेंस्ड, ठीक है? जाइए रिवाइज करिए, होमवर्क कुछ नहीं है, अगला दिन फिर मिलते हैं। थैंक यू।